तू बगैर ये सुना मेरी पना, आया हाँ कौन तेरे बख्शी गुना। ये तू बगैर ये सुना मेरी पना, आया हाँ कौन तेरे बख्शी गुना। जीवन नवा मैं ते तो पावन हाँ आया, मेरी है आस तेरे उन्हें खुदाया। जीवन नवा मैं ते तो पावन हाँ आया, पांच जिंद होंगी जांदी पला, आया हाँ कोल तेरे बख्शी गुना। है तू बगैर ये सुना मेरी पना, आया हाँ कोल तेरे बख्शी गुना। खुदा अपनी पाक जगह उत्ते है। खुदा जो अपने घर विच रहन वाले नूं इकट्ठे करदा है, वो आप उन्हां नूं शक्ति अते हिम्मत दिंदा है। बाप अते बेटा अते रूह पाक ते नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्राउत पैनो, अज आम समय का 17वां ऐतवार है। अज के ऐतवार के पाठों के द्वारा सानू खुदा ये आज़ादी दिंदा है कि असी उस कोलो मंग सकते अते ओ सानू देवेगा। असी इंसान हुंदे होए, खुद गर्ज हुंदे होए, ये जानते हैं कि असी अपने बच्चों दीयां लोड़ां नूं किद्दां पूरियां करना है। ते खुदा जो दयालु है, जो दयावान है अते प्यार नाल भरपूर है, वो किन्ना जानदा होवेगा कि अपने बच्चों नूं उसने किवें देखना है। इसलिए खुदा अज सानू कहिंदा है तुसी मंगो तुहानू दित्ता जाएगा, तुसी लब्बो तुहानू मिल जाएगा, तुसी दरवाजा खड़काओ तुहाडे लिए खुल जाएगा। आओ असी अपनियां प्रार्थनावां नूं खुदा प्रति मजबूत बनाईए। अपनियां प्रार्थना विच हमेशा मगन हो के लगे रहिए अते अपनियां प्रार्थनावां नूं लगातार करदे रहिए। खुदा साडी जरूर सुनेगा। आओ असी अपनी प्रार्थना की शक्ति उत्ते विश्वास रखते हुए कि जो असी खुदा को सच्चे दिल नाल कुछ मंगांगे, खुदा सानू जरूर देवेगा। इस विश्वास के नाल असी ये पाक मास की कुरबानी चढ़ाई अते अपनी लोड़ां अपनियां मिन्नतां खास करके अपने जीवन नू बदलन लई शक्ति मंगिए, ताकि इस पाक मस्ती कुरबानी द्वारा असी खुदा दियाँ तमाम बरकतां पा सकीए जो सानू इस दुनियावी जीवन विच साडे लई जरूरी हैं। तो असी इस पाक मास नू चढ़ाउण दे लई तैयारी करिए, माफ़ी मंगिए अते अपने आप नू इस जगह ते खड़े होने दे लई योग बनाइए।
एक बाल कर दा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रामा दे अगे मैं एक बाल कर दा मैं एक बाल कर दा अपने दोष नाल अपने बड़े दोष देना मैं एक बाल करदा सदा कुआरी मरियम ते सारे फरिश्ते संतां अगे ते पैना प्रावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा मैं एक बाल करदा बंदगी करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू सुद्धी विच जीवन तक पहुंचावे आमीन वडियाई महिमा होवे खुदा दी
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਨ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਧਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਫ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦੀਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸੁਸਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ, ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸਦਾ 18 ਬਾਬ 20 ਤੋਂ 32 ਆਏ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਗਮੋਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
कि तू पलिया नू दुष्टा दे नाल ही नाश कर देवेंगा जेकर उत्थे पंजाब पले लोग होणगे ताकि सारे शहर नू नहीं बचाएगा क्योंकि पलियां दी गिनती दुष्टा नाल नहीं कीती जावेगी। ए संभव नहीं, सारी धरती दा न्याय करता भला ही करेगा। प्रभु ने कहा, जेकर सदोम विच पंजाब पले लोग मैनू मिलणगे तां मैं उन्हां दे कारण शहर नू छड देवांगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु मैनू माफ़ करना, मैं दोबारा बोल रहा हाँ, मैं तो केवल मिट्टी का पुतला हाँ। जेकर उत्थे पंजाहां विचों पांच कट पले लोक होए तो तू फिर भी उस शहर नू नाश कर देवेंगा। प्रभु ने उत्तर दिता, जेकर उत्थे 45 पले भी मिल गए तो मैं उस शहर नू नाश नहीं करांगा। अब्राहम ने कहा, शायद उत्थे 40 पले मनुख ही होन। प्रभु ने कहा, मैं 40 दे कारण ही उस शहर नू नाश नहीं करांगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु मैनू अधिक बोलन लई माफ करो, जेकर उत्थे 30 पले मनुख ही होए। प्रभु ने कहा, मैं 30 दे कारण ही सारे शहर नू छड़ देवांगा। अब्राहम फिर बोलिया, प्रभु मैनू सचमुच माफ़ करना, जेकर उत्थे 20 पले मनुख ही निकले। प्रभु ने कहा, मैं 20 दे कारण भी उस शहर नू नाश नहीं करांगा। अब्राहम अंतिम बार फिर बोलिया, हे प्रभु मैनू माफ़ करना, जेकर उत्थे 10 पले मनुख ही निकले। प्रभु ने कहा, मैं 10 पलिया लोकां दे कारण भी उस शहर नू नाश नहीं करांगा। ए प्रभु दी वाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। तेरे ही कौन, ते हैं खुदा, दिल तो मेरा।
दूसरा संत पौलुस अपने पत्रां दे विच इस गल नूं दोहराउंदे रहिंदे हन कि मसीह ने साडे पापां दा पछतावा कीता है, खुदा उस दे कारण साडे पाप माफ करदा है। जिस तरह उसने मसीह नूं पुनर्जीवित कीता है उसी तरह सानू भी जीवित करेगा। कुरंथियां दे नाम संत पौलुस दा पत्र उसका 2:12-14 आयत। खुदा ने साडे सब पाप माफ कर दिते, सानू मसीह दे नाल पुनर्जीवित कीता है। जदों तुसी बपतिस्मे विच मसीह दे नाल दफनाए गए तां तुसी खुदा दी शक्ति उत्ते ईमान रखन दे नाल उस दे नाल जिंदा भी कीते गए हो, जिसने उसनू मुर्दियां दे विचों जिंदा कीता है। अते जद तुसी अपने अपराधां दे कारण अते अपने बेकथना शरीर दे कारण मुर्दा सी तां खुदा ने तुहानू मसीह दे नाल ही फिर जिंदा कीता है। उसने साडे सब अपराध नू माफ करके उस फैसले दी लिखत नू भी इस दियां साडे विरुद्ध सब कानूनी मंगा दे नाल खत्म कर दिता, अते उसने उस फैसले नू सलीब उत्ते किल्लां दे नाल जड़ के रद्द कर दिता। ए प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। यीशु किसे थां प्रार्थना कर रहा सी अते जदों उसने प्रार्थना समाप्त कीती तां उसके चेलियां विचों एक ने उसनू कहा, प्रभु सानू प्रार्थना करनी सिखाओ जिस तरह यहूना ने अपने चेलियां नू सिखाई है। उसने उन्होंने कहा, जदों तुसी प्रार्थना करते हो तो आखो, ऐ बाप तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, सानू हर रोज़ की रोटी दे, अते साडे पापा नू माफ कर क्योंकि असी आप हर एक नू जो साडा कर्जदार है माफ करदे हाँ, अते सानू अजमाइश विच ना पैन दे। फिर उसने उन्हां नू कहा, तुहाडे विचों कौन है जिसका मित्र होवे अते अद्धी रात नू ओ उसदे कोल आके उसनू कहे, मित्र मैनू 3 रोटियां उधार दे क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र करदे करदे आया है अते मेरे कोल उसनू खवाउण लई कुछ नहीं है।
अते अंदरों आवाज देवे मैनू तंग ना कर, बूहा हुण बंद हो चुकिया है अते मेरे बच्चे मेरे नाल बिस्तर विच सुते हैं, मैं उठ के तेनू कुछ नहीं दे सकता। मैं तुहानू कहिंदा हाँ उस दा मित्र होण दे कारण भावें वह उठ के उसनू कुछ ना देवे फिर भी उसकी जिद दे कारण वह उठेगा अते जो कुछ उसनू लोड़िंदा है वह उसनू देवेगा। मैं तुहानू कहिंदा हाँ मंगो अते तुहानू दिता जावेगा, लभो अते तुहानू मिल जावेगा, खटखटाओ अते तुहाडे लई दरवाजा खोलिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मंगता है वह पाता है, जो लभदा है उसनू मिल जाता है, अते जो खटखटाउंदा है उस दे लई दरवाजा खोलिया जाता है। थोड़े विचों कौन एहो जिहा पिता है जो अपने पुत्र नू मच्छी मंगन ते उसते बदले सप देवेगा, जन जेकर वह आंडा मंगता है तो उसनू बिच्छू देवेगा। जेकर तुसी जो बुरे हो अपने बच्चों नू चंगीयां चीज़ां देना जानते हो तो तुहाडा आसमानी बाप होर भी वध उन्हां नू रूह पाक देवेगा जो उस कोलों मंगते हैं। ये प्रभु की पवित्र अंचील है। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्रावत पैनो, अज खुदा बाप सानू अपनी दयालता अपनी माफी अते अपने प्यार देन लई फिर तैयार हुंदा है। सानू उस दयालता नू उस माफी नू उस प्यार नू पाउण दे लई थोड़ी मेहनत करन दी लोड़ है, मंगन दी लोड़ है, लभन दी लोड़ है अते दरवाजा खड़कटाउण दी लोड़ है। जो लोग लगातार जिद नाल खुदा दे द्वार विच आके उस कोलों मंगदे हन, उसका दरवाजा खड़कटाउंदे हन, जां उसनू लभदे हन तां ओह उसनू पाउंदे हन। अज दे पाठ सानू ये दसदे हन संसार विच बहुत सारा अत्याचार है, संसार विच बहुत सारी बुराई है, धोखाधड़ी है, लुट खसुट है, झूठ है, पर इस संसार दे विच इन्नी बुराई इन्नी झूठ होने के बावजूद भी असी कई लोगों नू देखते हाँ जो चंगे हैं, जो दयालु हैं, जो मदद करन लई तैयार रहिंदे हैं, चाहे वह इंसान नू जानते हैं चाहे नहीं जानते। कई लोगों दे विच इंसानियत अजे भी पाई जाती है, यही चीज़ है जिस दे नाल संसार अगे चल रहा है। क्योंकि जे सारे ही बुरे हो गए, सारे बुराई दे राह ते चल पे तां यह सीन जिहड़ा है सदोम अते गमोरा वर्गा बन जाएगा। पर इस संसार विच अजे भी कई चंगे लोग हैं जो इंसानियत नू प्यार करते हैं, जो इंसान नू इज्जत देते हैं, आदर करते हैं अते मनुखता नू बचाउण दी कोशिश करते हैं। इस करके ये संसार अज भी अगे चली जा रहा है। पहला पाठ सानू यही दर्शाता है कि इन्ना क पाप उस शहर विच वध गया सी कि उत्थों एक पुकार खुदा कोल पहुंची कि ये लोग तेरे तो बहुत दूर हो गए ने, तेनू भुल चुके ने, तेरे हुक्मां दे विरुद्ध चल रहे ने। तो खुदा ने उस शहर नू नाश करन दी सोची। अब्राहम जो खुदा दा सच्चा भगत
हो सके अर्ज करता है, मिन्नत करता है, बार बार मिन्नत करता है। खुदा अपना निर्णय बदल लेता है क्योंकि खुदा चंगा है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा दयालु है, खुदा साढ़े पापा नू माफ करता है। इस पहले पाठ विच सानू होर भी कुछ गल्लां अपनी निजी जीवन विच सीखन नू मिलदियां हन कि साड़ी जे जिद है खुदा दे अगे, जे असी सच्चे दिलों सच्चाई उत्ते चलदे होए प्रार्थना करदे रहिंदे हाँ, मंगदे रहिंदे हाँ, खटखटाउंदे रहिंदे हाँ खुदा दा दरवाजा, तो खुदा अपना निर्णय बदल के साढ़े नाल खड़ा हुंदा है। अब्राहम दे नाल खुदा अज खड़ा होया, उसने दसा आदमियों के पिछे भी उस सारे शहर नूं छड़ दिता तां कि जेकर उस शहर दे विच दस भी नेक लोग ने उन्हां दी वजह नाल यह सारा शहर तबाह होने तो बच गया। इसलिए बुराई चाहे जिन्नी मर्जी होवे पर जेकर सानू किसी ना किसी जगह नेकी मिलती है, खुदा दे हुक्मां दी पालना करन वाले लोग मिलते हैं, उन्हां दे नाल कईयां दियां बुराइयां भी माफ कीतियां जांदियां। दूजे पाठ विच अज सानू दस्या गया बपतिस्मे की अहमियत, जो उस विश्वास रख के लेंदे हैं कि बपतिस्मे का प्रतीक है मसीह विच मरना हते मसीह विच फिर जी उठना। असी पापी सा, असी गुनहगार सा, असी मुर्दा सा, खुदा ने अपने बेटे नू इस संसार विच भेज के सानू नवा जीवन दिता, सानू मुक्ति दिती, साढ़े विच रूहानी जीवन पा दिता, साढ़े विच रूहानी भुख नू यानी कि अनंत जीवन की भुख नू पा दिता, ता कि आपां इस दुनिया उत्ते रहिंदे होए भी खुदा वल वेखिए, आसमान दी स्वर्गां दी आस रखिए, हते उस आस दे विच असी चंगा जीवन बसर कर सकी। कहन तो पाव खुदा बाप ने सानू यीशु मसीह विच नवा जीवन दिता है, यीशु मसीह विच सानू पापां तो मुक्त कर लिया है, अपने बेटे ते बेटियां बना लिया है। हते अज दे इंजील दे पाठ विच सानू बहुत सारे संदेश मिलते हैं, असी प्रार्थना किद्दां करनी है, असी प्रार्थना विच की मंग सकते हैं। अज की प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाई है, सब तो पहला खुदा की प्रशंसा, खुदा की वड्याई करन बारे दस्या गया है। नाल नाल सानू रोज़ की रोटी साड़ियां लोड़ां लई प्रार्थना करन लई दस्या गया, साढ़े पापां की माफ़ी लई, सानू जमाइशां तो बचाउण दे लई, मतलब इस प्रार्थना दे विच पूरा जीवन आ जांदा है। साडा फर्ज है सब तो पहला असी खुदा दी प्रशंसा करिए, खुदा दी वड्याई ते उस्तत करिए, फिर अपने लिए असी मेहनत करिए, उहदे विच खुदा दीआं बरकतां मंगिए, अपने गुनाहां दे लई माफ़ी मंगिए, अते अपने गुनाहगारां नूं माफ़ करन दे लई तैयार होइए, अते अपनी अजमायशां विच भी खुदा कोलों मदद मंगिए कि असी अजमायशां विच हमेशा ना डिगते रहिए, सगों अजमायशां दा सामना करदे होए एक चंगा जीवन गुजारन की कोशिश करिए। इदां लगदा जिद्दां इस प्रार्थना दे विच पाक तसलीस खुदा हाज़र है, खुदा बाप जो इस दुनिया नूं बनाउण वाला, असी उस कोलों रोज़ की रोटी मंगदे हां। खुदा बेटा जिसने अपने जीवन के द्वारा सानू बचाया, असी उस कोलों माफ़ी मंगते हैं। अति खुदा रूपाक जो इस दुनिया विच अज भी काम कर रहा है, असी उस कोलों अजमायशां विच ना डिगन की मदद मंगते हैं।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਲਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਰੁਕੀਏ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, 8 ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟੋਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ 35 ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਸਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ,
आसमान ते चढ़ गया। खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे जा बैठा, जिथो जिंदिया ते मुर्दिया दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं इमारत दियां रूपा कुते एक पाक कैथोलिक कलीसिया, पाक लोका दी शाकत, गुनाह दी माफी, जिस्म दा जी उठना, हमेशा दी जिंदगी उते, आमीन। प्यारे प्रात पैनो, अज दे अंजील दे पाठ विच यीशु मसीह ने सानू प्रार्थना करना सिखाई है, आओ असी उसे तरह प्रार्थना करने की कोशिश करिए। असी खुदा बाप की उस्तत करिए जिसने सानू इत्थे इकट्ठा किया है, अपनियां लोड़ां उसके सामने रखिए। साडा अनुवचन है, ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन, ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। असी अपने संत पापा फ्रांसिस, अपने बिशप साहबान, खास करके अपने पैरिश प्रीस्ट अते अपने धर्म सेवकां लई प्रार्थना करिए कि वो ईमान अते प्यार विच सच्ची उदाहरण पेश करदे रहन। अनुवचन, ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। असी उन्हां लोकां दे लई दुआ करिए जिहड़े ईमानदार होण करके भी अपने ईमान दे मुताबिक व्यवहार नहीं करदे अते खुदा कोलों दूर रहंदे हन, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਅਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਆਮੀਨ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਰੋ
रोटी गेहूं दानों की अंगूरी दा फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन हे प्रभु रोटी गेहूं दानों की अंगूरी दा फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन हे प्रभु स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता पावन कहे पिता स्वीकार प्राउत भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साड़ा बाप मेरी अते तुहाड़ी इस कुरबानी नू प्रवान करे प्रभु इस कुरबानी नू तुहाड़े हथा दे विचों अपने नाम दी उस्तत ते वड़ाई ली अते साड़ी ते सारी पाक कलीसिया दे पले ले कबूल करें हे प्रभु इन्हां नजरानियां नू प्रवान कर जो तेरियां अनगिनत दातां विचों असी तेनू चढ़ाउंदे हां बख्श दे कि तेरी रूह इन्हां पाक भेदां दे राहीं साड़ी जिंदगी नू पवित्र करे अते अनंत खुशी वल साड़ी अगवाही करे साड़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे तुसीं अपने दिल प्रभु वल लगाओ असीं अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए ई सही अते योग है हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा ई सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असीं हर वेले ते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए सारियां चीज़ां तेरियां ही सिरजियां हन सब रुत्तां ते सब तेरे नियम नूं मनदे हन पर तू इंसान नूं अपने ही स्वरूप उत्ते बनाया अते सारे संसार नूं इसते सब अजूबियां समय उसते अधीन कर दिता तू इंसान नूं सारे सृष्टि दा कार मुख्तार ठहराया तां कि उह दिनों दिन तेरी दनाई अते कुदरत दे अनोखे कम्मां दे लई मसीह साडे प्रभु दे राहीं तेरी वडियाई करे इस लई असीं अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीती जथियां नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ए ऐलान करदे हां जमीन आसमान तेरी वड़े आईया नाले
ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸਨਾ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਛੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
खास करके तन कुआरी मरीम खुदा दी मां दे नाल उसे कुआरी दे मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल तेरे तन रसूलां दे नाल तेजस्वी शहीदां दे नाल अते तेरे सारे संतां नाल उन्हां दे विरसे दे वारस बन जाइए। इन्हां वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते असीं भरोसा रखते हैं। ऐ प्रभु असीं बेनती करते हैं कि साडे मुड़ मिलाप दी कुरबानी सब दुनिया की शांति ते मुक्ति लई असरदायक होवे। तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली हुई अपनी यात्री कलीसिया नूं अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस नूं साडे बिशप फ्रैंको ते एग्नेलो नूं कुल दुनिया के बिशपां पुरोहितां अते सब लोगों जिन्हां नूं तू अपना बना लिया है ईमान ते प्यार विच मजबूत बौन बनाउण दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नूं कबूल कर जिसनूं तू अपने सामने सदन की मेहर कीती है। ऐ दयालु बाप संसार भर विच खिल रहे होए अपने सारे बच्चों नूं अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साडे मोए होए भैन भरावां नूं वी याद कर जिहड़े तैनूं खुश करदे संसार विच चलाणा कर गए हन। मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर उत्थे असीं तेरी वड्डी शान की खुशी विच सदा निहाल रहन दी उम्मीद रखदे हां। साढ़े प्रभु इस मसीह दे राहीं जिसते राहीं तो दुनिया नूं हर चंगी दात बख्शदा है। उसते राहीं अते उसते नाल अते उसते विच हे खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपा की एकता विच सब जलाल अते वड़ियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीकर आमीन। असीं सारे वो प्रार्थना करिए जिहड़ी अज दी इंजील विच सानूं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। ऐ साडे बाप जिहड़ा तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मन्निया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडी रोज़ दी रोटी अज सानूं दे साडे कसूर सानूं माफ कर जिस तरह से अपने कसूर वाले नु माफ कर दे हां सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचाओ। हे प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तों सानू बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तों मुक्त रहिए ते हर मुसीबत तों सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे हो असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करदे हां क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युग युग तेरा ही है। हे प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हां अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हाँ तो साढ़े गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख तुस अपनी मर्जी मुताबक शांति ते एकता प्रदान कर। तू जो जीउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आपो विच शांति दा निशान देईए। साडे उते दया करो
सानू शांति प्रदान करो, सानू शांति प्रदान करो, सानू शांति प्रदान करो, ए मेरे खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जादा है। वेखो खुदा दा लीला, इनू वेखो जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है। तन ओह हन जिस लीले दे भोजन लई सद्दे गए हन। ए प्रभु मैं इस योग्य नहीं हां कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आ तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी। जग तो लैके छटिया गया मैं छज बिच पैके, जावांगा की जग तो लैके छटिया गया मैं छज बिच पैके, छटिया गया छज बिच पैके, मैं तुम्हें आ गया वागुरू कंडिया ने दाज वालिया, मेरे मन बिच आवस तू कंडिया ने दाज वालिया, मेरे मन बिच आवस तू कंडिया ने दाज वालिया, तन ओ जिहड़े दयावान हन क्योंकि उन्हां उत्ते दया कीती जावेगी, तन ओ जिहड़े दिल दे शुद्ध हन क्योंकि ओ खुदा दे दर्शन करनगे। असीं प्रार्थना करिए। हे खुदा साडे बाप, पाक यूकरिस्ट दे सपेद जो तेरे बेटे दे सलीबी दुख तसीहां दी यादगारी है, जिस विच हिस्सा लैन की बरकत तू सानू दिती है, बख्श दे कि उस दे असीम प्यार की यह दात साड़ी सदीवी निजात लई फायदेमंद होवे, ओही साड़े प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे, अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे। आमीन। कुर्बानी चढ़ाएगी, प्रभु दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर, याद कर ऐ नहायक मेहरबान कुआरी मरियम, पहले दिन ही सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे आ, तेरी मदद चाहदे आ, तेरी सिफारिश मंगदे आ, तेतो खाली दया होवे, ऐ कुआरी कुआरियां दी
अते मेरी मां इस तसल्ली नाल मैं तेरे को नसी आंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां ऐ बेताली हुई कलाम दी मां तू मेरी अरसा नु हकीन ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लिए दुआ कर। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए सच्चे रब दा शुक्र खुशी नाल उदा धन्यवाद कर कर के लेनी बरकत चोड़ियां भर भर के ओदे दर तो कदे ना खाली जाए ओदे दर तो कदे ना खाली जाए सच्चे रब दा शुक्र बना धन्यवाद हालेलुया।